ठीक है, तो हमें इसकी जरूरत नहीं है, इसलिए हम इसको यहां से हटा देते हैं। अब ये करने के बाद में अब आता है इसमें फाइल लेआउट कि हमें, अच्छा मैट फाउंडेशन में क्या होता है कि इस सबको एक उसमें लेगा, वो स्लैब की तरह इन सबके ऊपर एक स्लैब बनाएगा ना वो, तो इंडिविजुअली अगर आप चाहो तो इनके नीचे फाइल्स भी डाल सकते हो। तो उसके लिए फाइल लेआउट में जाना पड़ेगा, और हमारा जो इसका सपोर्ट का जो ऑप्शन आ रहा है वो क्या है, रेक्टेंगुलर है, नंबर ऑफ रोज कितनी है इसमें 5, और नंबर ऑफ कॉलम्स भी इसके 5 है, तो यहाँ से रेक्टेंगुलर चूज कर लो और यहाँ पे नंबर ऑफ रोज दे दो आपका 5, नंबर ऑफ कॉलम्स भी आपके कितने आएंगे यहाँ पे 5, और उनके बीच की स्पेसिंग कितनी है 3, 3-3 मीटर की है ना, तो आपने देखो यहाँ पे 3-3 मीटर चूज कर लिया। अब ये आपने 3-3 मीटर चूज कर लिया, अब इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, अप्लाई करना पड़ेगा। अप्लाई कर दिया तो आप देखेंगे तो सबके नीचे एक एक आ गया कि नहीं आया, यस और नो। हाँ, पाइल लग गया। पाइल के बाद में आपका आता है मैश जनरेशन। मैशिंग हम किस में करते हैं, प्लेट में। हाँ, तो मैश जनरेशन पे क्लिक करते हैं, और आप क्या करोगे यहाँ पे देखो ऐड मैशिंग वाला ऑप्शन आ रहा है, इस पे क्लिक करते हैं। तो हम यहाँ से चूज करते हैं क्या, ऐड रेक्टेंगुलर वाला ऑप्शन। अब यूनिट आपकी मीटर में है। अच्छा, ये स्लैब को हम लोग इसके नोड से ना 1-1 मीटर आउटसाइड में लेंगे, दोनों तरफ से, चारों तरफ से 1-1 मीटर, ठीक है। तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट इधर आएगा, तो ये -1 और -1 हो जाएगा लेफ्ट कॉर्नर में, यस और नो। सर अच्छा, हमारे इसकी लेंथ कितनी है 12, और एक -1 में चला गया तो 13 हो गया, और एक हमें पॉजिटिव में लेना है तो वो 14 हो जाएगा लेंथ। तो लेंथ हमारी हो गई 14, और विड्थ भी हमारी हो जाएगी कितनी 14, और इसको कर दो ऐड रीजन। तो देखो एक रीजन क्रिएट हो गया इसके आसपास, हल्की से ब्लू कलर से दिख रही है। अब इसको ऐड रीजन तो हो गया हमारा, ऐड रीजन के बाद में आपको करना है मैश सेटअप। मैश सेटअप पे गए, यहाँ पे एक नाम दे दो उसका, कुछ भी दे दो, 1 दे दिया, और इस सरफेस को सेट कर लो और यहां से ऐड कर दो, उसका हमने नाम दे दिया रीजन आइडेंटिफायर में, कुछ भी दे सकते हो। उसके बाद में हमने उस रीजन को सिलेक्ट किया और ऐड कर दिया, ठीक है, राइट। बोलो भाई यस जुनैद। सर, हाँ, उसके बाद में आपको सरफेस जनरेट मैश पे क्लिक करना है, ठीक है। जनरेट मैश पे क्लिक किया, अच्छा ये बोल रहा है कि आपने कोई भी बाउंड्री को सिलेक्ट नहीं किया, और इस पे सिलेक्ट करो और यहां से करो जनरेट मैश, हो गया। तो इसमें देखो यहाँ पे 10 डिविजन दिखाएगा आपको, और इसको कर दो ओके। ऑप्टिमाइजिंग ऑप्टिमाइजेशन लेवल ये था कि इसमें ये है जो डिस्टेंस दिखा रहा है आपको वो उतने का दिखाएगा, 10 वैल्यूज में उसको कन्वर्ट कर देगा, मतलब एक नोड से लेकर के एक नोड तक आपकी 10 वाली वो आएगी। लेवल 3 वो था कि उसमें जब हम करते हैं उसका ऑप्शन आता है कि जैसे कि बाउंड्रीज को भी वो इक्वली डिवाइड करे, ठीक है। अब उसके बाद में आपने ये कर दिया, अब यहाँ पे देखो मैच सेटअप भी हो गया हमारा। अब इसमें हमने थिकनेस वगैरह हम पहले ही दे चुके हैं, इसमें 300 mm की
स्टार्टिंग में यहाँ पे डिफॉल्ट पैरामीटर्स में आपने देखा था ये री। अब इसको एनालिसिस करके देख लेते हैं एक बार। इसको खोला, अगर स्लैब थिकनेस वहां पे अगर आपने चेंज कर नहीं दी है या आप चेंज करना चाहते हो तो यहाँ पे देखो स्लैब थिकनेस का ऑप्शन है दोबारा से। तो देखो आपको दिखाई रहा है इतनी है। सॉइल प्रॉपर्टी अगर चेंज करना है तो आप सॉइल प्रॉपर्टी यहाँ से चेंज कर सकते हो। पाइल स्प्रिंग कॉन्स्टेंट, देखो ये फोर्सेस लगे हुए हैं आपके। अब फिर से जाओ लास्ट वाले, उसमें सबसे पहला ही ऑप्शन क्या है आपका, एनालाइज। अब इसको कर दो एनालाइज। तो कुछ देर बाद देखो इसमें रिजल्ट आएंगे अपने आप। ठीक है देखो एनालाइज कंप्लीट हो गया हमारा। अब इसकी देखो आउटपुट फाइल देखते हैं। यहाँ पे आउटपुट का ऑप्शन है, आउटपुट पे क्लिक किया और यहां से चूज कर लो आप क्या मैक्सिमम एब्सोल्यूट। तो देखो यहाँ पे आपका क्या आ गया, स्ट्रेस की वैल्यूज आ गई कि नहीं आई। हेलो आवाज आ रही है मेरी जुनैद? कहाँ तक आपने देखा था? प्लेट लगा दी इसके ऊपर। एनालाइज प्रॉपर्टी के बाद सब कुछ बता दीजिए। इसमें आपका एनालिसिस करके हमने ये स्ट्रेस आ गया था या नहीं? नहीं सर। सर तो ये यहाँ पे हमने एनालाइज हो गया था। Yes, sir. उसके बाद में आउटपुट फाइल पे हमने क्लिक किया, ये आउटपुट व्यू ऑप्शन है ना। Yes, sir. इस पे क्लिक करने के बाद में आप यहाँ से आपने चूज कर लिया मैक्सिमम एब्सोल्यूट। तो आपके पास यहाँ पे ये वैल्यूज आ गई किस चीज की, स्ट्रेस की, कि आपके इस स्लैब में कहाँ कहाँ कितना स्ट्रेस है। ठीक है तो जो सुपर स्ट्रक्चर है उसका भी साथ में दिखा रहा होगा ना स्ट्रेस? नहीं, सुपर स्ट्रक्चर तो आपका इसके ऊपर गया ना, ये तो फाउंडेशन की बात हो रही है। यस सर, मतलब उसका जो स्ट्रेस लग रहा होगा ऊपर से वो भी शो करेगा ना सर इसमें? भाई उसी की वजह से तो उसमें लोड आ रहा है, जो आपका स्ट्रेस डेवलप हो रहा है वो सुपर स्ट्रक्चर की वजह से ही तो आ रहा है इसमें। यस। इसमें और कौन सा हमने वो लगाया है? ठीक है अब देखो, अब इसमें आपके पास अगला ऑप्शन आता है मूवमेंट जनरेटर, मूवमेंट एनवेलप। इस पे क्लिक करो, इसके आपने ले लिया करंट पैनल वन अलोंग एक्स एक्सिस। ठीक है और यहां से आप यूज कर लो ऑल लोड केसेस और जनरेट एनवेलप कर दो। एक हो गया और दूसरा यहाँ पे आप ले लो जेड डायरेक्शन में और यहाँ पे उसका नाम यहां से भी आप चूज करो क्या ऑल लोड केसेस और इसको कर दो जनरेट एनवेलप। तो दोनों डायरेक्शन का हो गया अलोंग एक्स भी और अलोंग जेड भी। अब इसके पास आता है आपका डिजाइन पैरामीटर्स। डिजाइन पैरामीटर्स में आपके पास ग्रेड है और एफसी है, टॉप कवर है, बॉटम कवर है, मिनिमम बार साइज है, मैक्सिमम बार साइज है आपके पास। ठीक है और फिर आपका यहाँ पे मैक्सिमम स्पेसिंग है और मिनिमम स्पेसिंग है। अब यहां से क्या कर दो इसको डिजाइन, डिजाइन प्रोसेस हो गई है आपकी। ठीक है अब इसमें डिजाइन के रिजल्ट आपको अगर देखने हैं तो वो आप कैसे देखोगे? तो आप इसमें देखो कैसे,
इस पे जाओ, डिटेल रिपोर्ट पे। डिटेल रिपोर्ट पे जाते ही आपके पास एक विंडो खुल के आएगी, इसमें आप देखो लॉन्गिट्यूडनल, क्या है ये लॉन्गिट्यूडनल में आप देखो कि आपके पास में एक्स में माइनस वन से लेकर के जा रहा है डिस्टेंस, और इसमें एरिया प्रोवाइडेड कितना आ रहा है 360 mm स्क्वायर पर मीटर। समझ में आया कि नहीं? ये आपके बार्स को बता रहा है, बार कि जो अगर आप लॉन्गिट्यूडनल में डालेंगे रेनफोर्समेंट, उसमें आपका जो एरिया आएगा मीटर में, जैसे कि अगर आपका एक मीटर स्क्वायर का पैनल है उसमें, तो उसमें एक मीटर क्यूब अगर आपका स्लैब का एरिया है, तो उसमें आपको 360 mm स्क्वायर आपको क्या डालना पड़ेगा, सरिया डालनी पड़ेगी। मैं ये कह रहा हूँ जैसे कि आपकी एक मीटर बाई एक मीटर की स्लैब है, ठीक है, तो उसका एक मीटर स्क्वायर ही है, उसका क्या होगा एरिया होगा, उस एरिया में 360 स्क्वायर mm स्क्वायर आपको सरिया डालनी है, ठीक है। ऐसे ही आप ट्रांसवर्स में चेक कर सकते हो, ट्रांसवर्स का आपको आ गया यहाँ पे, ऐसे ही यहाँ पे साइड साइड में टॉप का देख सकते हो और साइड में बॉटम का देख सकते हो। पंचिंग में अगर आप देखो तो पंचिंग में आपने यहाँ पे सेलेक्ट किया और इसमें आपने वैल्यू दिया है क्या कि भाई स्ट्रेस आपका इतना है, टोटल स्ट्रेस किलोमीटर पर मीटर में, और यहाँ पे कॉर्नर वन पे इतना स्ट्रेस आ रहा है, कॉर्नर टू पे इतना, कॉर्नर थ्री पे इतना और कॉर्नर फोर पे इतना, और इसका डिजाइन स्टेटस क्या है आपका पास, ठीक है। तो ये इस तरह से आप इसमें चेक कर सकते हो सारी चीजें। राइट भाई, रेनफोर्समेंट में अगर आप देखना चाहते हो तो देखो ये रेनफोर्समेंट आपको दिखा रहा है, यहां से आप क्या करो टॉप देखो, क्रिएट जोन कर दो इसको, ठीक है। अब यहाँ पे ऊपर देखो वन वाला आ रहा है कितना 10 डाया का है और 219 डिस्टेंस पे है, मतलब 10 की बार डालनी है आपको 219 डिस्टेंस पे। अब यहाँ से आप लॉन्गिट्यूडनल देखो बॉटम में, इसको भी क्रिएट जेआउट करो, तो यहाँ पे भी देखो 12 के दिखा रहा है आपको 253.33 mm में, ठीक है। अब रेड वाला कौन सा है आपका, आपका होगा ट्रांसवर्स में टॉप, क्लिक करो जोन में तो देखो यहाँ पे ट्रांसवर्स में टॉप दिखा रहा है आपको, ऐसे ही आप इसमें ट्रांसवर्स में बॉटम चेक कर सकते हो। ये देखो आगे वैल्यूज आपकी आ रही है ना, आवाज नहीं आ रही। अच्छा यहाँ तक तो आपको पता लग ही गया होगा जो मैं आप क्रिएट कर रहा हूँ, यहाँ से ये वैल्यूज दिखा रहा है आपको, ठीक है भाई। हेलो सर, यहाँ तक आया समझ? आवाज रुक रुक कर आ रही है, स्क्रीन मिल जाएगा। कहाँ तक रुक रुक के आई है? जो पहला का दूसरा से जो बताया ना सर, पहला इस पे रेनफोर्समेंट जोन पे क्लिक किया था, यहाँ तक आया था। रेनफोर्समेंट जोन पे क्लिक करते ही आपकी यहाँ पे एक विंडो खुल के आएगी, यहाँ पे देखो चार ऑप्शन आ रहे हैं, तो लॉन्गिट्यूडनल टॉप, लॉन्गिट्यूडनल बॉटम, ट्रांसवर्स टॉप और ट्रांसवर्स बॉटम, तो कौन सी का देखना है, चारों का देख लो। पहले लॉन्गिट्यूडनल टॉप का देखते हैं, क्रिएट जोन कर दो, तो यहाँ पे देखो वैल्यूज दिखा दी आपको, ऊपर दिखा रहा है 10 का 219 डिस्टेंस पे। फिर आप लॉन्गिट्यूडनल बॉटम के लिए क्रिएट कर दो, तो देखो लॉन्गिट्यूडनल बॉटम के लिए आ गया। फिर ऐसे ही आप इसमें ट्रांसवर्स टॉप के लिए कर दो, तो ट्रांसवर्स टॉप की आ गई और ये ट्रांसवर्स बॉटम की वैल्यूज आ गई आपकी, चारों वैल्यूज दिखा देगा आपको, ठीक है। ओके
तो ये आपका था कौन सा, मैट फाउंडेशन। कोई डाउट हो तो आप पूछ लो।